हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। आज का अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन को कैसे लिखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कॉर्नर पे एक बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे अगला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो हम अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने सबने सुन रखा है, आप टीवी में देखते भी हो। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन यानी किसी भी चीज के लिए जब हम कोई विज्ञप्ति देते हैं, हमें कोई काम ऐसे करना होता है जो कि हमें पब्लिकली पब्लिश करना होता है, पब्लिक को बताना होता है, तो उसका विज्ञापन है वो किया जाता है। कई बार जो न्यूज़पेपर है उसमें भेजा जाता है, कई बार क्या टीवी में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज का प्रचार करना तो उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट है वो कई टाइप से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उस एडवर्टाइजमेंट को कैसे लिखना है, उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। जैसे मेन पॉइंट में अपन बोले तो क्या होगा कि सब्जेक्ट रिलेटेड, मीन्स जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे अपन एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, मीन्स सब्जेक्ट भी तो अलग अलग होते हैं। ब्राइड वांटेड हो सकता है, ब्राइड ग्रूम वांटेड हो सकता है, कोई जॉब के लिए हो सकता है, या मान लो कोई सेल एंड परचेज का हो सकता है, कोई रेंट पे हो सकता है, लेट का हो सकता है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट है वो कई टाइप के होते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका पूछा जाए, जो क्वेश्चन में बोला जाए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स, मीन्स जो जितने भी कम वर्ड आप यूज में ले सको उतने कम वर्ड आपको यूज में लेने हैं, मीन्स कम शब्दों में हम अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकें। कम शब्दों में मतलब अपने को लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, अपने को जो पंक्चुएशन मार्क है उनको यूज में लेके, आर्टिकल को, कनेक्टर्स को यूज में लेके अपनी बात है वो अपने को शॉर्ट में बोलनी है। तो यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स, कम वर्ड्स को यूज में लेना। थर्ड पॉइंट है अपना यूज ऑफ राइट पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मीन्स जो विराम चिन्ह होते हैं उनको बोलते हैं। तो जो राइट जो पंक्चुएशन मार्क है मीन्स जो सही विराम चिन्ह है, यानी कहाँ पे अपने को कोमा लगानी है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो ये जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं उनको कहाँ पे यूज लेना, वो राइट तरीके से यूज में लिया हुआ होना चाहिए जिससे अगले को बात समझ में आ सके। अपना फोर्थ जो मेन पॉइंट है वो है यूज ऑफ आर्टिकल्स, कनेक्टर्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स जो ए एन डी होता है उसका सही से प्रयोग होना चाहिए। कनेक्टर्स यानी जो जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, मीन्स कंजक्शन वगैरह होते हैं, उनका सही से यूज होना चाहिए। और जो लिंकिंग वर्ब मतलब जो जोड़ने वाली जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इज एम आर वाज वर लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, उनको अच्छे से यूज में लिया जाना। लिंकिंग वर्ब के ऊपर मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी, जब अपन टेंस करेंगे तब लिंकिंग वर्ब के बारे में ढंग से बताऊंगी। तो पांचवा पॉइंट है अपना राइट योर एड्रेस, पीओ बॉक्स नंबर या पीओ नंबर, ईमेल एटसेट्रा। तो बोला है कि राइट योर एड्रेस मीन्स लास्ट में अगर अपन ने कोई एडवर्टाइजमेंट लिखा है और जब हमें अगले से कोई चीज मंगवानी है, हम कुछ पूछ रहे हैं, हम किसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें रिप्लाई चाहिए, तो उसके लिए कोई एड्रेस तो अपने को, कोई पीओ बॉक्स नंबर या कोई टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई ईमेल वगैरह अपने को एड्रेस में डालना होता है, तो वो चीज लिखनी है। और लास्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या है, इट मस्ट बी ब्रीफ, जो कि मैंने मिनिमम वर्ड के अंदर बता दिया। ब्रीफ होना चाहिए मीन्स छोटा होना चाहिए, सिंपल यानी एकदम सिंपल तरीके से लिखा होना चाहिए जिससे अगले को, मीन्स जिन पब्लिक को हम जो अपना एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं वो उनको समझ में आए। और क्लियर होना चाहिए मीन्स उसमें किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की कोई भी डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। पूरी चीज जो लिखी है वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए और एकदम सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। एडियम फ्रेज वगैरह का इसमें यूज है वो नहीं किया जाना चाहिए और ब्रीफ यानी छोटा होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले जो एक एडवर्टाइजमेंट है उसका एग्जांपल मैं लेके आई हूँ। जैसे अपने को ब्राइड वांटेड का लिखना है, ब्राइड वांटेड मींस जो अपने को दुल्हन है वो चाहिए। अब कई बार दूल्हा दुल्हन चाहिए उसके जो न्यूज पेपर के अंदर आप देखते हो बहुत सारे विज्ञापन लिखे हुए आते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाना चाहिए वो जानने के लिए जरूरी है कि क्या क्या उसमें लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहली बात क्या है, अगर ब्राइड वांटेड के लिए अपन एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए, डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, मीन्स जो प्रोस्पेक्टिव जो ब्राइड ग्रूम है, मीन्स जो दूल्हा है, होने वाला जो प्रोस्पेक्टिव यानी जो संभावी, जो भावी दूल्हा है,
दूल्हे के लिए ही चाहिए, तो अगर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो पहले दूल्हे की डिटेल तो लिखेंगे, तो जो प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम है ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल अपने को बतानी है कि लड़का क्या है कैसा है, तो मीन्स लड़का कौन सी कास्ट का है, कौन सी जाति का है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट, ये ई है HEIGST, तो लड़के की हाइट है वो क्या है, जॉब उसकी क्या है, मीन्स वो गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अपना खुद का बिजनेस है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो उसकी जॉब क्या है उसके बारे में बताना, उसका कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मीन्स उसका जो जो रूप रंग है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्शन मीन्स होता है उसका रूप रंग, फेयर है या फिर कोई डार्क कलर का है कैसा है, ये उसके कॉम्प्लेक्शन में आएंगे। क्वालिफिकेशन मीन्स उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता क्या है उसके बारे में लिखा जाता है, उसका फाइनेंशियल या उसका जो सोशल स्टेटस है उसके बारे में बताया जाता है, आर्थिक रूप से अच्छा है कि नहीं है, सामाजिक दृष्टि से उसका कैसे है, और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मीन्स उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो कैसा है उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद में अब लड़के की डिटेल दे दी, अब अपने को दुल्हन चाहिए, अब हमें दुल्हन कैसी चाहिए उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो डिटेल ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड, मतलब डिटेल्स देनी है किसकी, ऑफ द डिजायर्ड मतलब जो अपनी इच्छा है वैसी ब्राइड के बारे में, तो हम बोलेंगे ब्यूटी उस वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसकी ब्यूटी के बारे में हम अपन बोलेंगे, उसकी एज भी बताएंगे, जब लड़के की एज बताइए तो अपने को कितनी एज की लड़की चाहिए उसके बारे में बताएंगे, उसकी भी हाइट की बात करेंगे, उसकी भी एजुकेशन की बात करेंगे, अगर लड़का वेल सेटल्ड है अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में या कोई अपना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस उसने बना रखा है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो हम लड़की की भी एजुकेशन की बात करेंगे कि वो कैसी होनी चाहिए। तो ये जो डिटेल्स है डिजायर्ड ब्राइड की वो सारी डिटेल अपने को देनी होगी, और कास्ट की भी बात अपन है वो करेंगे, जैसे इसमें कास्ट मैंने लिखा हुआ है, कास्ट के बारे में भी अपन बात करेंगे। इसके बाद में आता है अपना थर्ड पॉइंट होता है टाइप ऑफ मैरिज, मतलब अपने को कैसे शादी है वो अपने को करनी है उसके बारे में बताया जाएगा, कि मतलब ऐसे लड़के के बारे में बता दिया, लड़की के बारे में बता दिया, अब अपने को शादी के बारे में भी तो बताना है, हमें कैसी चाहिए, अपने को सिंपल शादी चाहिए एकदम सिंपल सी होनी चाहिए, या अपने को डिसेंट यानी एकदम शानदार करनी है शादी को, अरेंज मतलब एकदम सुव्यवस्थित तरीके से करनी है, या फिर अपने को कोर्ट मैरिज करनी है, रजिस्ट्री करवा के कोर्ट में बस 4-5 जने गए और शादी हो गई, तो कैसे शादी करनी है उस टाइप ऑफ मैरिज के बारे में भी हम उसके अंदर उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिटेल देंगे। लास्ट में क्या आता है कॉन्टेक्ट, मतलब हम कहाँ पे ऐसी अगर कोई पसंद है, मतलब जो दूल्हा है वो पसंद और ऐसी दुल्हन किसी के पास में है और वो शादी के इन टाइप से भी अगर वो हैप्पी है, अगर वो सेट हो रहे उसको, तो अगला अपने को रिप्लाई भी देगा कि हाँ हाँ हमारे पास में ऐसी ऐसी दुल्हन है, तो अब कॉन्टेक्ट नंबर भी अपने को देने होंगे। तो कॉन्टेक्ट कैसे देते हैं अपन, मान लो एड्रेस है अपने पास में, कोई एड्रेस है वो एड्रेस दे दिया, अगर अपने को एड्रेस नहीं देना तो अपन मोबाइल नंबर देंगे, ये MN का मतलब है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर भी नहीं है अपन टेलीफोन नंबर दे देंगे, टेलीफोन नंबर नहीं देना अपन ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं देना तो पीओ बॉक्स नंबर यानी पोस्ट ऑफिस नंबर है वो दे सकते हैं, मीन्स इसमें से कोई ना कोई चीज अपने को कॉन्टेक्ट में डालनी होगी, आप चाहे कुछ भी डालो। तो इस तरीके से अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखा जाता है, ये है ब्राइड वांटेड का एडवर्टाइजमेंट। अगले वीडियो में मैं एक एडवर्टाइजमेंट आपको ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड पे मैं लिख के आपको आपके लिए वीडियो है वो अपलोड करूंगी, उससे आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कहीं पे कोई अगर डाउट हो आपको, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अपन अगला जो एडवर्टाइजमेंट है उस पे चर्चा और करेंगे, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके बाय।